पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत टांगराइन स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की गिनती आज एक आदर्श सरकारी विद्यालय के रूप में की जाती है। एक समय ऐसा था जब विद्यालय की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मैं कुमारी वीना मंडल है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांगराइन की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। और हमारा स्कूल पहले बहुत ही छोटा सा था, और पहले जो था हमारा ये स्कूल में बरंदा में भी बच्चे बैठ के पढ़ते थे और बाहर भी चले जाते थे, तो उसी वजह से बहुत दिक्कत होता था। लेकिन वर्ष 2017 से यहाँ रचनात्मक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई और क्रमशः पठन पाठन, स्वच्छता, खेल गतिविधियों आदि में काफ़ी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिलने लगे। इसी वर्ष इस विद्यालय में एक कर्मठ और उत्साही शिक्षक अरविंद कुमार तिवारी की पदस्थापना प्रधानाध्यापक के रूप में हुई। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर विद्यालय के कायाकल्प के लिए अभिनव प्रयास शुरू कर दिए। प्रयास रंग लाया, कई बार विद्यालय को जिले में स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिला। विद्यालय में अध्यापन के लिए कमरों की कमी महसूस की जा रही थी तो एक संस्था ओसाट ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 2 कमरों का भवन बनाकर विद्यालय को सौंपा। साथ ही छात्र और छात्राओं के लिए नया शौचालय भी विद्यालय को बनाकर दिया। विगत 21 सितंबर को समारोह पूर्वक इसका उद्घाटन प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विनय कुमार दुबे के हाथों कराया गया। इससे पहले इसी महीने की 9 तारीख को साइंस फॉर सोसाइटी और वैज्ञानिक चेतना साइंस पोर्टल के सौजन्य से विद्यालय में साइंस फिल्म क्लब का उद्घाटन किया गया। विद्यालय के पोषक क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिकतर आदिवासी समुदाय के हैं, तो भाषा को लेकर पठन पाठन में दिक्कतें पेश आने पर भूमिज, संताली और बांग्ला भाषा में यहाँ पढ़ाई की शुरुआत की गई। ये भूमिज जनजाति अभी विलुप्त के कगार में है और ये नृत्य संगीत सब कुछ यानी भाषा शैली सब विलुप्त के कगार में है, और ये कुछ ही बचा है आपको, क्योंकि हम लोग का 32 जनजाति में भूमिज यानी कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ और जंगल में घने जंगल में रहने वाला जनजाति है, और ऐसे हम लोग कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे हमारा भूमिज जनजाति शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा है और शहर से काफ़ी अंदर हैं हम लोग, मतलब शहर से दूर हैं, तो इसलिए मतलब जो सही शिक्षा नहीं मिल पा रहे हैं, और इसके चलते हम लोग का जो सामने वालों को उसाद का स्कूल बन रहा है बहुत खुशी की बात है। इसके चलते हम लोग का बहुत लाभ मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ आगे उन्नति नहीं हो सकता है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग भी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि सामने में औसत का स्कूल बन रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है, और हम लोग भी तो शिक्षा से जुड़ेंगे तो कुछ नया कर सकते हैं। हम लोग भी जुनून जज्बा सब कुछ है, लेकिन वही एक साधन नहीं है हम लोग का जो नया दिशा दे सके। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी स्कूल के बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए समय समय पर कुछ न कुछ अलग करते रहते हैं। उनमें से एक है रोचक तरीके से बच्चों को पहाड़ा सिखाना। विद्यालय के बच्चों को रेल यात्रा करवाना, फिल्में दिखाना, पुस्तक मेला का भ्रमण कराना, कहानी मेला, साइंस मेला, खासकर प्रिमिटिव ट्राइब्स के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही कई मरीजों की मदद कर जान बचाना आदि कार्य भी नियमित रूप से किए जाते हैं। खेल स्पर्धाओं में बच्चों को पारंगत बनाने के लिए तैराकी, फुटबॉल, तीरंदाजी आदि के अभ्यास कराए जाते हैं। इसी क्रम में विद्यालय में बच्चों के बीच अंडा चैलेंज दौड़ प्रतियोगिता भी होती है। इस रेस में शामिल होने पर बच्चों को इनाम में अंडा मिलता है। इस पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार तिवारी कहते हैं, मेरा मानना है कि समाज से हम लोग काफ़ी कुछ लेते हैं, चाहे अक्षर ज्ञान हो या जो भी हमारे बीच समृद्धि आई है, वो सब समाज की देन है और किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम समाज को वापस कर सकें, और इसीलिए शिक्षक के रूप में शायद मैंने सपना नहीं सोचा था, लेकिन एक अवसर आया तो शिक्षक बन पाया, और यदि शिक्षक नहीं बनता तो शायद समाज सेवक के रूप में अपना दायित्व निभाता। और जहाँ तक एक अच्छे शिक्षक के गुण की बात है, तो मेरा मानना है कि खास करके सरकारी शिक्षकों को तो एक संवेदनशील होना बहुत जरूरी है,
संवेदनशीलता यदि आप में नहीं है तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं। हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो कई तरह के भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, और उनमें यदि आप संवेदनशील होकर उनकी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो आप अक्षर ज्ञान उनका नहीं करा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि उनके हर समस्याओं को दूर करते हुए उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देना चाहिए।